लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंड बैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है, अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्रिकेट मैच देखने के दौरान गुटखा खाते हुए एक व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। दरअसल कानपुर के ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच में 2 टेस्ट सीरीज हो रहा है, मगर मैच के पहले दिन ही 25 नवंबर को सोशल मीडिया में एक छोटा सा वीडियो क्लिप और एक फ़ोटो वायरल हो गई, जिसमें एक शख्स फ़ोन पर बात कर रहा है और उसके मुँह में गुटखा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी तहलका मचा दी। काफ़ी सुर्खियां ये तस्वीर और वीडियो ने बटोरी है। हालांकि इस तस्वीर को लोगों ने काफ़ी शेयर करते हुए मज़ा भी लिया। आपको अब बता दें कि गुटखा खाते हुए इन जनाब का नाम है शोभित पांडे, जो कानपुर के कपड़ा व्यापारी हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये गुटखा नहीं खा रहे थे और उनके बगल में जो लड़की बैठी थी वो उनकी बहन है। मगर वीडियो वायरल होने के बाद इनकी तलाश पुलिस करने लगी। बस फिर क्या था, शोभित पांडे फिर स्टेडियम पहुंच गए और इस बार इनके हाथों में एक तख्ती थी जिस पर लिखा हुआ था, गुटखा खाना गलत बात है। वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीर को लेकर शोभित पांडे ने क्या सफाई दी है, आप भी सुनिए। शोभित जी, जो मुझे पता चला है आपका नाम शोभित पांडे है और आप कानपुर के महेश्वरी मोहल के रहने वाले हैं। कल ये जो टेस्ट मैच के पहले दिन जो कंट्रोवर्सी आई है, आपका एक फ़ोटो आया जिसमें आप पता नहीं क्या खा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना यह है सर कि लोग बता रहे हैं कि मैं गुटखा खा रहा हूँ या मसाला खा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैं उस समय गुटखा में खा ही नहीं रहा था। मैं उस समय खा रहा था मीठू सुपारी जी, राहू सुपारी जो आती है यहाँ कानपुर की गलियों में छोटी दुकानों में मिलती है, राहू सुपारी, मैं वो खा रहा था। कौन से स्टैंड में मैच देख रहे थे और कितनी बजे का ये लमसम वाकया होगा, आपको क्या याद है? अच्छे से मुझे याद है, ये गेट नंबर 11 की बात है और 70 ओवर पूरे हो चुके थे जी। बस ये तभी का वाकया है। उस समय मेरे पास एक कॉल आया, मेरा एक फ्रेंड था वो गेट नंबर 8 में था जी, तो वो मेरे पास मतलब 8 को जो कह रहा था, तो मैं उसको तो यही बता रहा था कि वो कॉल केवल 10 सेकेंड या सेकेंड केवल कॉल था कि गेट नंबर 11 में है, इस तरफ से ऐसे आ जाओ, बस इतनी कॉल थी वो। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आपको इसके बारे में कब पता चला कि ये बहुत वायरल हो गया है? घर में सवाल पूछे क्या, दोस्तों ने सवाल पूछे? मुझे ये मालूम पड़ा सर मैच खत्म होने करीब 10 मिनट पहले। अच्छा। जो है ये एक फ़ोटो आई थी उसी फ्रेंड के फ़ोन पे जिसको मैंने फ़ोन पे बात की थी जी, जो है कि तुम्हारे पर जो है न्यूज़ पर के तुम वायरल होगा। मैंने कहा हमको इतना पूछूंगा क्या वायरल होगा, हम किसी ने बना दिया होगा बस। उसके बाद फिर जब घर आधे घंटे में 15 मिनट में सब होते गए। परिवार ने क्या रिएक्शन दिया? गौरव जी, परिवार में कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने जो है वो गलत किया ही नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं है, तो कल ही मैं देखने आज मैं देखने आया था, कोई जब मैं जो मैं गलत किया तो मैं किस बात का। गौरव जी, कल से आज तक आपके पास कई दोस्तों यारों के भी मैसेजेस आए होंगे, मीडिया के भी फ़ोन आ रहे हैं, क्या कुछ उलझन है? मैच नहीं देख पा रहे हैं, क्रिकेट नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं? उलझन तो सर एक इस बात की है कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ में मेरी बहन थी, उसके ऊपर कुछ 1-2 लोगों ने जरा मतलब भद्दा कमेंट कर दिए, और दूसरी बात यह कि इतने फ़ोन आ रहे हैं इतने मीडिया वालों के कि अब मुझे इरिटेशन हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ इसलिए, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया है, मतलब इतने फ़ोन इतने कॉल हमने कभी लाइफ में नहीं रिसीव किए इतने। क्या आपको लगता है आपकी प्राइवेसी का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है? कैमरा आपके ऊपर जानबूझकर फोकस किया गया? सोशल मीडिया अगर ज्यादा सेंसिटिव होता तो चीजें बेहतर होती। नहीं, कैमरे वाले की तो गलती कहना, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ था, ना ही मैं इतना कोई वो हूँ, वो वायरल कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, कुछ लोग कानपुर की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? कानपुर की कोई इमेज खराब नहीं हुई है। पहली बात तो मैं मसाला नहीं खाया हुआ था उस समय, पाई खाया हुआ था, और दूसरी बात क्या है तो पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं कि यूट्यूब के कानपुर में मसाला का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, सबको मालूम है।